अंदर जाने के लिए अलग लाइन है। रेगिस्तान बन गया है नदी, नदी में कोई एकदम पानी नहीं है, समुद्र के किनारे वाले एरिया में भी। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल आयुष ग्रीन ब्लॉग्स में। तो आपने पहले भी देखा कि हमने अभी लिंगराज मंदिर घूम लिया और वहाँ से निकल के, क्योंकि रात में दर्शन के लिए, तो वहाँ से निकल के भी हम लोग सुबह फिर निकल चुके हैं नंदन कानन के लिए। और नंदन कानन पहुँच के तो हमारा पोपट हो गया दोस्तों। यहाँ पर इतना भीड़ है, ये पूरा यहाँ का पार्किंग एरिया है, थर्ड फ्लोर तक पार्किंग है। और हम लोग अभी कार पार्क करने जा रहे हैं और देखिए क्या अल्टीमेट भीड़ है यहाँ पर, ठीक है। और अभी पार्क करते हैं और देखते हैं टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, और फिर आप ब्लॉग पे बने रहिए। तो दोस्तों आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको वीडियो हमेशा मिलती रहे। पहुंच चुके हैं नंदन कानन जू गाइस। अभी हम लोग कार पार्क कर रहे हैं पार्किंग में, कौन सा पार्किंग मिलता है देखते हैं। इधर वाला खाली है। यस गाइस, बहुत भीड़ है, हम लोग के आगे दो कार चल रही है। दो कार के देखो ना कितना कार है, बाइक देखो, बाइक का क्या बाप है बाप, आज तो अल्टीमेट भीड़ होगा मेरे को लग रहा है सब। अरे हम लोग पार्किंग में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, कहां मिलेगा और ये वाला एंट्री देखिए, वहां उड़िया में लिखा हुआ एंट्री। अरे आसाम का फर्स्ट फ्लोर पार्किंग। सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अच्छा, इंग्लिश में ऐसा होता है, हिंदी में एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला। तो दोस्तों सेकंड फ्लोर पर हमें कार पार्किंग का जगह मिला है और अभी हम लोग यहाँ कार पार्क कर रहे हैं, देख सकते हैं अभी है। और कार पार्क करते हैं फिर चलते हैं पार्क की तरफ। और यहाँ पर काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर है, यहाँ पर कार पार्क वाले भैया देखिए सारे लोग हैं यहाँ पर आपको मदद करने के लिए, सारे लोग मदद भी करते हैं, कार भी पार्क करते हैं यहाँ पर, कराते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। तो देखिए और गाड़ी लोग, गाड़ी काफ़ी सारे, गाड़ी ऑटो भी आ रही है देखिए। बंदा है जो हम लोग को लेके आया गाड़ी में। वेलकम टू नंदन काना जू। नंदन कानन, नंदन कानन, निशान जैमपॉट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निशान जैमपॉट का ये है निशान, जो ड्राइव के चलते नहीं बना पा रहा अपना ब्लॉग, लेकिन फिर भी इसको लाइक सब्सक्राइब। दोस्तों पार्किंग के बाद अभी हम लोग जू जाने के लिए आ गए, देखिए यहाँ पर लाइन कितना भीड़ है, लंबा लाइन लगा हुआ देखिए दोस्तों। गाइस देख रहे हैं जू में इतना लंबा लाइन है सिर्फ टिकट का, टिकट लेने के लिए इतना लाइन लगा हुआ है। कहाँ लाइन है भैया? अंदर जाने के लिए अलग लाइन है। हाँ वो अलग लाइन है, तो वो दिन भर लाइन में लग जाएगा, आज दूसरा दिन आना होगा। इतना लंबा लाइन है, आज टिकट कटाओ कल घूमने आओ। लगता है ऐसे हम लोग को वापस जाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों भीड़ कितना है, क्या ही बोले भीड़ कितना है यहाँ पर, तो देख ही सकते हो भीड़, देखिए भीड़ देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई झगड़ा हो गया है या कुछ हो गया ऐसा कुछ, जितना भीड़ लगा हुआ है पूरा, ऐसा भीड़ तो कभी हमने भी नहीं देखा है नंदन कानन में, खासकर इतना भीड़ है देखिए, जैसे लग रहा है कुछ। चलिए चलते हैं वापस, सब कुछ होगा नहीं, वापस चलते हैं गाइज और नेक्स्ट किसी और दिन प्लान बनाएंगे। तो दोस्तों नंदन कानन का
घूमना, तो प्लान हम लोग कैंसिल कर दिया कि इतना भीड़ है दोस्तों कि कुछ बोल ही नहीं जा सकता, इतना भीड़ बोल ही नहीं सकते कि इतना भीड़ है। हम लोग वापस पार्किंग में आ चुके हैं, अब हम लोग जाएंगे रिटर्न अपने घर जमशेदपुर, और नंदनकानन का प्लान किसी और दिन बनाते हैं दोस्तों, अब आज नहीं होगा घूमना, इतना भीड़ है, इतना मतलब क्या बोलें हालत ख़राब, पूरी लोग लाइन लगे हुए जा रहे हम लोग रिटर्न। फाइनली हम लोग को देखना होगा नहीं क्योंकि भीड़ इतना है और नीचे भी इतना भीड़ है कि अब गाड़ी देखिए पार्किंग से निकाल रहे हैं। देखो वो कितना बड़ा महानदी आ रहा है, ये क्या है, नदी में कुछ है नहीं, रेगिस्तान बन गया है नदी, नदी में कोई एकदम पानी नहीं है, समुद्र के किनारे वाले एरिया में रेगिस्तान तो दोस्तों नंदन कानन का प्लान तो कैंसिल हो गया, वहाँ तो हमारा घूमना हुआ नहीं किसी का, और अभी चलते हैं वहाँ से, हम लोग का कुछ प्लान चेंज करके हम लोग जाएंगे माँ तारिणी घाट गाँव, माँ का भी दर्शन कर लेंगे, और हम लोग अभी चले तेल भरा लेते हैं, यहाँ पर तेल भरते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं घाट गाँव माँ तारिणी का मंदिर। दोस्तों शाम तक तो हम लोग यहाँ मंदिर पहुँच चुके हैं, और चलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ है नहीं, हल्का फुल्का भीड़ है, हम लोग माँ का दर्शन कर लेते हैं और फिर चलेंगे वापस अपना घर। तो दोस्तों यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर लाइटिंग वगैरह किया गया है, और अंदर का तो वीडियो फोटो अलाउ नहीं है, बाहर के आपको दिखा रहे हैं, और हम लोग भी अभी पूजा कर लेते हैं, शाम का पूजा चल रही है, और पूजा का सामान वगैरह हमने ले लिया है यहाँ पर, और पूजा कर लेते हैं और फिर वापस चलेंगे अपना घर। और तो चलिए अब तो देखिए, और हम लोग पूजा करके आते हैं, और कितने लोग यहाँ पर आए हैं दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन यहाँ पर आए हैं गढ़गांव माँ तारिणी माता का मंदिर में, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों कितने लोग आए हैं, माता रानी के दरबार में हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। जय माता रानी। तो दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब अभी तक जिन्होंने नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल आयुष ट्विन ब्लॉग्स को, और इसी तरह के आगे भी वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।